हेलो एवरीवन, आज देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे के रूप में एक बेहद खूबसूरत सवाल। देखिएगा सवाल को, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 99 एंड ए इज इक्वल्स टू 2x² + 102x + 2 / 100x, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है विथ वर्टिसेज -3, 0, 3, 0 and 0, a इज। ऑप्शन है आपका ए में है 18² यूनिट, बी में है 9² यूनिट, सी में है 9/2² यूनिट और डी में है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन एक बार आप बैक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 99। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं एक्स एलसीएम लेने के बाद x² + 1 / x = 99, और आप इसको आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं x² + 1 = 99x। अब आप इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × x² + 1 = 2 × 99x, यानी 198x। अब आप इसको और फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो मिलेगा 2x² + 2 = 198x। अब इसको छोड़ दीजिए और देखिए कि एक्सप्रेशन ए इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है। आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 2x² + 102x + 2 / 100x। इस ए को हम फिर से लिख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ था आपका 2x² + 102x + 2 / 100x। अब यहां पर इस a को कैलकुलेट करने के लिए आप 2x² + 2 को रिप्लेस कर दीजिए 198x से, तो 2x² + 2 ये कितना हो जाएगा 198x, और ये पहले से है 102x, यानी ये दोनों ऐड हो जाएगा तो a का वैल्यू मिलेगा 198x + 102x / 100x। तो आप a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू हो जाएगा ये आपका 300x / 100x, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3, ये सब तो आपको कट जाएगा, x से x कटेगा, 2 0 कटेगा, तो a का वैल्यू मिल गया 3। अब इस a के वैल्यू पर हमको निकालना था किसी ऐसे ट्रायंगल का एरिया जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है। देखिए हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस -3, 0, 3, 0 and 0, a। क्या क्या था वर्टिसेस एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको जिस ट्रायंगल का एरिया निकालना था उस ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है -3, 0, 3, 0 और फिर 0, a। आप इसको प्लॉट कर लीजिए 2D प्लेन में, इसको इस तरह से रिप्लेस करिए, प्लॉट कर लीजिए। तो -3, 0 कहाँ मिलेगा पॉइंट, एक्स एक्सिस पर पॉइंट मिलेगा लेफ्ट साइड में। मान लीजिए कि ये पॉइंट है आपका -3, 0, ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 3, 0, यानी ओरिजिन से जितना लेफ्ट में था ये पॉइंट उतना ही राइट में हो जाएगा, यानी ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 0। और एक पॉइंट है 0, a और a का वैल्यू मिला हुआ है 3, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0, a। तो आप इसको मिला दीजिए ये तीनों पॉइंट को, तो ये बन गया ट्रायंगल। अब इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है,
तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिमिलर फिगर है तो एरिया क्या निकल जाएगा, तो एरिया बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका कितना हो गया, ये 3 यूनिट, और हाइट कितना हो गया, 3 यूनिट। तो ये 3 और ये 3, तो 3 × 3 मतलब 9/2, यानी 9/2। और एक ट्रायंगल ये भी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया आपका 9 स्क्वायर यूनिट। देखिए आपका आंसर हो गया 9 स्क्वायर यूनिट, ये ऑप्शन बी में। ध्यान दीजिए बी, एक ऑप्शन 9/2 स्क्वायर यूनिट भी है, वो हाफ का हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उसको भी एक बार देख लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो दिया हुआ है वर्टिसेज उससे भी निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं कि अगर वर्टिसेज हो x1/1, x2/2 और x3/3, तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट का, हाफ ऑफ पहले रो में लिखते हैं 1 1 1, दूसरे रो में लिखते हैं x1 x2 x3, और तीसरे रो में लिखते हैं y1 y2 y3। तो इससे बना लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ 1 1 1। x1 देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये x1 हो गया आपका -3, x2 हो गया 3 और x3 हो गया 0। तो ये हो जाएगा आपका -3, 3 और 0। फिर यहाँ होगा y1 y2 y3, तो y1 कितना है 0, y2 कितना है 0 और y3 कितना है a, तो ये हो जाएगा 0 0 a 0 0 a, और a का वैल्यू कितना आ गया था 3। तो डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर का सम निकाल लेते हैं और उस रो या कॉलम से इवैल्यूएट करते हैं जिसमें मैक्सिमम 0 हो। तो यहाँ देखिए R3 में ज़्यादा 0 है, 2 0 है, तो हम यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड करने के लिए पहले हम इसका लेते हैं साइन, तो इनका साइन हो जाएगा पॉजिटिव, डायगनल वाला साइन होता है पॉजिटिव, और फिर लिख देते हैं 3 और फिर लिखते हैं इसका माइनर। माइनर कैसे होगा, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, यानी ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, तो बचेगा 1 1 -3 और 3, यानी ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 × सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट बीच में माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, तो -3 × 1 -3 यानी +3 हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, 3 3 6, 6 3 18, 18 का हाफ 9 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से भी आपको यही आंसर मिलेगा, कैसे भी बना लीजिए, और भी बना सकते हैं आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 × 2 − 3 +x2 × 3 − 1 +x3 × 1 − 2। इस पर भी आप पुट करके बना सकते हैं एरिया, तो हो जाएगा हाफ। x1 कितना हो गया, पॉइंट को एक बार फिर से लिख लेते, पॉइंट था आपका -3, 0 3, 0 और 0, a, तो x1 हो गया आपका -3, y2 हो गया आपका 0 और y3 हो गया a, a का वैल्यू आ गया था 3, x2 हो जाएगा आपका 3, अब y1 - y2, y1 भी 0 है और y2 भी 0 है, अब प्लस x3 है 0, इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 ही रहेगा, यानी ये सारा टर्म खत्म हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, हाँ देखिए ये x1 था आपको, ये पॉइंट आपका था, पहले हम पॉइंट एक बार लिख देते हैं तो फिर नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाइएगा। पॉइंट हमारा क्या था, पॉइंट था -3, 0 3, 0 और 0, a, a मतलब 3। तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 -3 × 2 − 3, तो 0 - a, यानी 0 - a, a का वैल्यू 3,
प्लस एक्स टू, एक्स टू हो गया आपका थ्री, फिर बाई थ्री माइनस बाई वन, तो बाई थ्री कितना हो गया ए, अब बाई वन कितना हो गया जीरो, तो ए माइनस जीरो, और ए का वैल्यू कितना है थ्री, तो थ्री माइनस जीरो, प्लस एक्स थ्री इंटू बाई वन माइनस बाई टू, और एक्स थ्री कितना है जीरो, तो जीरो में कोई चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो एरिया आपका हो क्या जाएगा वन बाई टू टाइम्स ऑफ, यहां देखिए माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री तो प्लस नाइन, प्लस थ्री इंटू थ्री यानी प्लस नाइन, और ये जो जीरो हो गया तो नाइन और नाइन कितना एटीन बाई टू यानी कितना नाइन स्क्वायर यूनिट। तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बेहतर होगा कि आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड ही यूज कीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर आ गया आपका नाइन स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सवाल आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है पटना में, नया टोला ऑपोजिट सपना अपार्टमेंट, यहाँ अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच आपको 2023-25 के लिए ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे सुबह 7 से 9 है। इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, 31 अक्टूबर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री फ्रॉम बेसिक टू अपर लेवल। तो आप अपने सगे संबंधी को बता सकते हैं। वीडियो को अंत अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल पर बने रहिए और प्रॉब्लम ऑफ द डे के रूप में नए नए प्रॉब्लम्स को देखते रहिए।